गजरोला के तिगरी गंगा धाम में स्थित समाज सेवी तेजवर सिंह एलोना ने श्रद्धालुओं के लिए फ्री मेडिकल कैंप का किया आयोजन। एएसपी ने किया शुभारंभ। गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम में कोतवाली के सामने समाज सेवी तेजवर सिंह एलोना द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ करने के लिए एएसपी राजीव कुमार पहुंचे और उन्होंने विधि विधान से फीता काटकर मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान समाज सेवी तेजवर सिंह एलोना ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है, इसलिए सेवा करते रहना चाहिए। पिछले काफ़ी लंबे समय से वे यहाँ पर कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं और उन्होंने वहाँ आए श्रद्धालुओं से अपील की है कि गंगा में गहरे पानी में जाकर स्नान न करें, आपकी जिंदगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी एलोना जी, आप काफी लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए इस समय दवाई का कैंप भी लगा रखा है फ्री निशुल्क, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, फ्री मेडिकल कैंप लगाने का उद्देश्य यही है। मेरा ये मानना है कि अगर सर्वशक्ति जो इस दुनिया को चलाती है उसने हमें किसी काम करने लायक बनाया, अच्छे काम करने लायक बनाया, तो वो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी काम लायक वो नहीं करते तो भगवान की कृपा हम पे हो सकता अगली बार ना हो। तो मैं पिछले कई वर्षों से गंगा मेले पे मेडिकल कैंप लगाते आए हैं हम, उससे पहले हमने फोर्स में भी मेडिकल कैंप लगाए। तो यहाँ गंगा मेले पे जो लोगों को छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं उनको कई बार ऐसा होता कि समुचित इलाज नहीं मिल पाता, इसलिए हमने ये फ्री मेडिकल कैंप इस बार लगाया है और लोगों को हम फ्री दवाई वितरित कर रहे हैं। श्रद्धालु भारी मात्रा में तिगरी गंगा धाम में आते हैं। हाँ, कुछ युवा टीम शराब के नशे में उत्पाद मचाती है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि जो युवा हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। युवाओं को मैंने पहले भी कई बार बताया है कि वो हुड़दंग ना मचाएं, शराब ना पिए, यातायात नियमों का पालन करें। और एक ये धार्मिक और आस्था का मेला है, यहाँ धर्म और आस्था और अच्छा पुण्य कमा के जाएं। गंगा नहाने से कोई पाप नहीं धुलता। अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि हम पाप करके अपना गंगा में धो लेंगे, तो ना तो पाप आपका माफ होता है और ना ही गंगा में नहाने से आपके पाप धुलते हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए, वो सभी समाज में है जो बुलेट पे हुड़दंग मचा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि एक अच्छा इंसान बने, अच्छे काम करें और अपनी एक अच्छी जिंदगी जी के जाएं, अपने माँ बाप का सिरदर्द ना बने। और हम जो यहाँ दवाई बांट रहे हैं, अगर किसी को हमारे लायक कोई सेवा है तो हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं, आपको निःशुल्क दवाइयाँ हर संभव उपलब्ध कराने की हम प्रयास करेंगे। भारी मात्रा में श्रद्धालु तिगरी गंगा धाम में आ चुके हैं, ऐसे में क्या अपील करना चाहिए? मेरी अपील ये है कि पुलिस प्रशासन को सहयोग करें, जो एक लाइन है उस ट्रैफिक नियम का पालन करें और सबसे बड़ी बात है कि हुड़दंग ना मचाएं, गंगा मेले को अच्छी तरह सेलिब्रेट करें और एक अच्छा उदाहरण दे के जाए। श्रद्धालु आए हैं काफी, आज भी हमने करीब 1100-1200 लोगों को दवाई आज बांटी है और मुझे लगता है कि अभी तो 3-4 दिन का मेला है, हो सकता है हमारी दवाई खत्म ना हो जाए। आज 1190 का आज आंकड़ा हुआ है, कल भी दवाई बांटी थी। तो श्रद्धालुओं का और आप सभी का स्वागत है और मीडिया बंधुओं, पुलिस कर्मियों का, जो लोग हमारी कवरेज कर रहे हैं, पुलिस कर्मी, प्रशासन, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सभी को गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं।